परेशान हो चुके इस महंगाई भरे दौर से और शमा के ब्यूटी सैलून और शबाना के ब्यूटी पार्लर से, तो परेशान ना होइए। मैं हूँ महक रुबाब कादरी और मैं आज आपको बताऊंगी कि ये देसी वेडिंग सीजन लुक आप किस तरह अपने घर में कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं इस लुक को तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड लाइक माय वीडियो। अब मैं आई मेकअप की शुरुआत कर रही हूँ और उसके लिए मैं सबसे पहले अपना क्रीज बिल्डअप करूँगी। क्रीज बिल्डअप करने के लिए मैं ये वाला कलर ले रही हूँ और सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। सेम वही कलर मैं इस आंख से कर रही हूँ। अभी ब्लेंडिंग ब्रश से मैं लगा रही हूँ। ब्लेंडिंग ब्रश जो है फ्लफी सा ब्रश होता है और उसी से जो है बहुत अच्छा सा ब्लेंड होता है। Now I'm applying this color. आप हमेशा लाइट कलर से शुरू करें ताकि फौरन से आप डार्क कलर डालेंगी तो खराब हो जाएगा। हमेशा लाइट कलर से जो है अपना आई मेकअप बिल्डअप करें। अब इसके बाद जो है मैं ये वाला कलर ले रही हूँ और इसको मैं इतना पूरी आंख पर नहीं लगाऊंगी, इसको सिर्फ मैं कॉर्नर पर ही करूंगी। और ब्लेंड बहुत अच्छे से करें क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। शार्प लाइनें नहीं दिखनी चाहिए। ब्लेंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका मेकअप भी अच्छा लगेगा। ये वाला कलर लूंगी। अब मैं लाइनर लगा रही हूँ और आगे मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। और इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ भी फैला दूंगी। फिर इसको ब्लेंड करेंगे। और थोड़ा सा फैला दूंगी ताकि इसको ब्लेंड कर सकूं। और मैं इसको ब्लेंड करूंगी। पहले मैं जो है ADS की कॉन्टोर किट में से सबसे जो लाइट है हमारा हाईलाइट का शेड वो लेके पहले मैं डिसाइड कर लूँगी कि मुझे कहाँ तक ग्लिटर्स चाहिए। और जब आप ग्लिटर आई मेकअप कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपना आई मेकअप ही कीजिए ताकि आप जब ग्लिटर अप्लाई करते हैं तो वो हर जगह फैल जाता है, तो फिर आपका सारा मेकअप जो है वो मैस्टअप हो जाएगा। तो आई मेकअप पहले हो जाएगा तो आप बाद में उसको साफ करके फाउंडेशन अप्लीकेशन करेंगे तो वो सही रहेगा। नाउ आई एम अप्लाइंग ग्लिटर और ये ग्लिटर ग्लू है जो कि आसानी से हर जगह मिल जाता है और कॉपर ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ आई मेकअप के लिए। इस तरह का ब्रश आपको लेना है, आपने पार्ट ग्लिटर के लिए बनाया है लिया है उसमें आप लगाएंगे इसको। आगे बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, अगर आपने आगे पीछे लगाया तो वो सारा ग्लू फिर उधर लग जाएगा। वही ब्रश आप यूज़ करेंगे और उसकी दूसरी तरफ जो है ग्लिटर लेंगे और फिर उसको आपको अप्लाई कर देंगे। आपको रगड़ना नहीं है, आपको टैप करना है। We'll be right back.
लोअर लैश लाइन के साथ ये जो लाइनर की लाइन है उसको। सूख रहा है, सूखने के बाद मैं लाइनर अप्लाई करूंगी, तब तक मैं अपना जो है फाउंडेशन डन कर लूँ। मैं देसी वेडिंग लुक कर रही हूँ, शादी ब्याह का मेकअप कर रही हूँ, तो मैं हैवी करूंगी बेस को भी और कॉन्टोर और हाईलाइट्स भी। तो उसके लिए मैं क्लियर लाइन की फाउंडेशन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कंसील करूँगी, ऑब्वियसली कंसीलिंग के लिए मैं 36 यूज़ कर रही हूँ FS क्लियर लाइन की, और एज यूजुअल अपनी उंगलियों से ही मैं लगाऊंगी। अब मैं अपने फेस पर 38 अप्लाई करूँगी एज माई फुल फेस फाउंडेशन। मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, कॉन्टोरिंग के लिए जो है मैं ADSE कॉन्टोर किट यूज़ कर रही हूँ। आज मैं क्रीम कॉन्टोर करूँगी क्योंकि मैं शादी का लुक कर रही हूँ, वेडिंग मेकअप कर रही हूँ, शादी का सीज़न है इसलिए हैवी करेंगे हम। क्रीम कॉन्टोर करूँगी उसके बाद मैं पाउडर कॉन्टोर करूँगी। अगर नॉर्मल कैजुअल मेकअप हो तो आप उसमें पाउडर कॉन्टोर ही कीजिए, क्रीम कॉन्टोर ना कीजिए, क्योंकि हमारा कराची पाकिस्तान का जो वेदर है उसमें तो सनी वेदर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा फिर केकी हो जाता है। अच्छा, इस एंगल पर आपको जो है लगाना है। इसको हम ब्लेंड करेंगे। हाईलाइट कर रही हूँ, हाईलाइट के लिए मैं फेमिना F1 यूज़ कर रही हूँ। मैं हाईलाइट को ब्लेंड कर रही हूँ। इसको बेस करूँगी जो मैंने हाईलाइट किया है, और फिर उसके बाद पाउडर कंट्रोल कर दूँगी। मैं पाउडर कॉन्टोर करूंगी क्रिस्टन कॉन्टोर किट से, और ये दोनों कलर्स को मिला के लगाऊंगी। कॉन्टोरिंग इज डन नाउ। अब मैं जो है ब्लशर लगाऊंगी, क्रिस्टन का ब्रशर यूज़ कर रही हूँ मैं। डायरेक्शंस देखें मैं किस तरह ब्रशर लगा रही हूँ। पाउडर मैंने लगाया था उसको मैं जो है हटा रही हूँ। जो है लाइनर लगाऊंगी। लाइनर सब डन कर लिया है। अब जो है इनर कॉर्नर पर जो है ये गोल्डन ग्लिटर लगाऊंगी। व्हाइट पेंसिल ऑन माय आई। नाउ आई एम अप्लाइंग मस्कारा। नाउ आई एम अप्लाइंग शिमर। बहुत ज्यादा डार्क लिपस्टिक मुझे
नहीं लगानी है, मैं बहुत ज़्यादा लाइट पिंक लगा रही हूँ। इसके साथ थोड़ी सी मैं ऑरेंज लिपस्टिक मिलाऊंगी ताकि थोड़ा सा पीच पे चला जाए। Now my makeup is done.